हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई गणित। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। देखिए क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, किसी पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमको यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट ए, इसमें एक्स वन एक एक्स कोऑर्डिनेट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो ये x एक्सिस से का डिस्टेंस मींस x कोऑर्डिनेट और y एक्सिस से का डिस्टेंस मींस y कोऑर्डिनेट। देख लेते हैं हम कैसे x और y, थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन ही जा रहा होगा अगर तो समझिए आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस है। समझिए दिस इज x एंड दिस इज y। तो सपोज वी हैव दिस एज ओरिजिन, ऑलवेज वी नो दैट। तो ओरिजिन के हमेशा कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 0 0, बिकॉज यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। अब अगर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ होता है 1 यूनिट, यहाँ होता है 2 यूनिट। तो दिस इज ऑलवेज प्लस प्लस केस, क्वाड्रेंट हमको पता है क्योंकि यहाँ पर भी प्लस होगा, प्लस 1 प्लस 2। तो अगर मुझे कोई यहाँ का एक पॉइंट, अगर समझो ये पॉइंट दिखाना है, तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे मेरे, 1, 1, बिकॉज यहाँ का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस इज 1 एंड वाई एक्सिस से का डिस्टेंस भी 1 है। सो इसीलिए आपको अभी कोऑर्डिनेट्स तो क्लियर हो गया होगा ऐसा मुझे लगता है। समटाइम्स वी कॉल दिस एक्स कोऑर्डिनेट एज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ओ आर डी आई एन ए टी ई, एंड दिस सेकेंड वाई कोऑर्डिनेट समटाइम्स वी कॉल इट एज एब्सिसा, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ये सिर्फ नाम है, कुछ थोड़े अलग नाम है, लेकिन हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। हमको दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, पेयर्स ऑफ पॉइंट्स मतलब क्या होता है, हमेशा पेयर्स ऑफ पॉइंट्स मतलब आपके पास दो पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। कितने पॉइंट्स रहेंगे बताइए मुझे, दो पॉइंट्स रहेंगे। तो हमको दो पॉइंट्स दिए हैं, कौन से दो पॉइंट्स दिए हैं बेटा, हमको पॉइंट ए दिया है एक एक्स वन वाई वन और पॉइंट बी दिया है एक्स टू वाई टू दिया है, ठीक है। तो हम दो पॉइंट्स को देखते हैं कैसे, हमको उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस निकालना मतलब उनके बीच की लेंथ फाइंड आउट करना, ठीक है। तो हमको ए दिया है फर्स्ट केस में, कितना दिया है ए, 2, 3, तो x1 दिया है 2 और y1 दिया है 3 और b दिया है कितना दिया है 4, 1, तो x2 है हमारा 4 और y2 है हमारा 1। तो सिंपल सी एक फॉर्मूला है, सिंपल सा, कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम लिखते हैं ab is equal to square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। तो अब क्या करना है आपको, बस इसमें पुट कर देना है वैल्यूज। x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ लिख लीजिए 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस, y1 की कितनी वैल्यू है 3, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या होता है, नेगेटिव टाइम्स ऑफ 2, दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर। तो हमको ये चीज़ पता है कि पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सो 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8 यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब ये डिस्टेंस कितना है, मतलब ए और बी के बीच का स्क्वायर रूट ऑफ 8, जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 2, ये बाहर निकल जाएगा 4, क्योंकि यहाँ हम 4 को क्या लिख सकते थे, ये 2√2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 2√2, बिकॉज 2 इंटू 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल एंड वी हैव 2√2, ठीक है। तो रूट 8 भी सही है और 2√2 भी सही है। तो हमने फर्स्ट का तो आंसर निकाल लिया कि हमने डिस्टेंस निकाल लिया एक पैर के बीच में का, किस पैर के बीच में का, फर्स्ट पैर 2, 3 और 4, 1 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना मिला हमको, रूट 8। अभी हम ये चीज़ इरेज कर देते हैं और सेकंड पॉइंट देखते हैं कि कैसा होगा। सेकंड पॉइंट मीन्स सेकंड क्वेश्चन, पॉइंट नहीं सॉरी, आपको दो पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर, बराबर। कितने पॉइंट्स दिए हैं, दो पॉइंट्स दिए हैं। तो फिर से हम वही चीज़ करेंगे जो अभी हमने परफॉर्म की, बराबर। तो आप अब थोड़ा खुद से सॉल्व करके देखिए कि अगर आपको आ जाए तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं आए तो मैं यहाँ सॉल्व कर ही रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं, करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे अभी। लेट मी सिलेक्ट पेन, ओके।
सो आइए अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है हमको? एक पॉइंट दिया है -5, 7, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट इज -5 और वाई कोऑर्डिनेट इज 7। अब सेकंड पॉइंट दिया है हमको -1, 3। फिर से हम सेम प्रोसीजर करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 square, दैट इज ऑर्डिनेट। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये टर्म्स से भी वाकिफ करा रहा हूँ कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को हमेशा क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट को हमेशा क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, सो x2 - x1 square कितना होगा इस केस में, -1 - -5। ठीक है, यहाँ थोड़ा संभल के, बिकॉज बहुत सारे नेगेटिव्स आ रहे हैं, इसलिए -1, 5 का square प्लस y2 - y1, 3 - 7 का square। तो इस केस में अपना आंसर क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। -1, -, सो -1 + 5 हो जाएगी ये टर्म, इसका स्क्वायर प्लस 3 - 7 - 4 का square। देखते हैं अभी क्या होगा यहाँ पर, -1 + 5 का square कितना होता है, -1 + 5 will be 4 square प्लस -4 का square होगा 16। ये इसको भी सॉल्व करेंगे तो 16 ही आएगा, सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 32, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 32, क्योंकि 16 + 16 = 32। अब कितना है मतलब ये डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ 32, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या मिल सकता है हमको, 8 × 4 = 32, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, और फिर या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 16 × 2 विच कैन बी 4√2। सो हमने फिर से डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, मतलब ही एक पैर के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम तीसरे पे आते हैं, ठीक है, अभी आपको तो समझ ही गया होगा, लेकिन अभी हम एक जनरल केस देखने वाले हैं। जनरल केस मतलब अगर हमको पॉइंट्स की कुछ ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी है और वेरिएबल के टर्म्स में वैल्यू दी है तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे। ठीक है, लेट मी सिलेक्ट पेन वंस अगेन। ओके, आइए देखते हैं क्या करना है यहाँ पर, ab - a - b, ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ, अभी हमारे पास x1 कितना है, a है, y1 कितना है, b है, और x2 कितना है, -a है, और y2 कितना है, -b है। तो हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू डाल देंगे, -a - फिर से -a आएगा क्योंकि हमारा x1 कितना है, a है, तो इसको स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 कितना है, -b, माइनस ऑफ ये कितना है फिर से b, सो -b का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, -a - a मतलब -2a का square प्लस -2b का whole square। ठीक है, सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -2a का square कितना होगा, -2 का square 4, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और a square 4a square + 4b square। ठीक है, तो हमको कितना मिला है डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, स्क्वायर रूट ऑफ 4a square + 4b square। मैं जानबूझ के ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि क्या होना चाहिए। देखिए, अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकालेंगे और a² + b² लिख देंगे, इज इक्वल टू, अभी 4 किसका स्क्वायर है, 4 है 2 का स्क्वायर, तो इसीलिए ये 2 बाहर आ जाएगा और हम अंदर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। तो देखिए, हमने इसमें तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए थे, तीन पेयर्स के कोऑर्डिनेट्स, और हमने दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट किया। हो सकता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे या फिर नहीं भी अच्छा लगे, लेकिन लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हमारे ई गणित चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।